तो हेलो गाइज, आज मैं तुमको इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कहने जा रहा हूँ। हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर लव मैरिज। सलमा सीतारमारी सदना दी। तो स्टेप नंबर वन, पेरेंट्स के पास जाने से पहले अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, पीछे जाओ, आगे खतरा है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे इतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना आईपीएल में आरसीबी पे। सॉरी इफ इट वॉज पर्सनल, बट इट इज फैक्ट। स्टेप नंबर टू, मम्मी पापा को कन्विंस करने से पहले खुद कन्विंस हो जाओ कि तुमको इसी लड़की या इसी लड़के के साथ जिंदगी बर्बाद करनी, सॉरी आबाद करनी है। चमके सर जी, ये जनरेशन की रिलेशनशिप, हाय राम, छोटी छोटी बातों पे तलवारें उठती है, चेहरे जलते हैं, स्टोरियां डलती है कि हम तो तनहा ही भरा। ए चल हट। सुबह के गुड मॉर्निंग से लेके स्टॉप बीइंग टॉक्सिक की जर्नी बहुत सुंदर थी। टिप ऑफ द डे, अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा बोले, फॉर एग्जांपल कि बेबी सुनो ना, वो आकाश है ना मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो उदयपुर जा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा हम भी जाते। पीछे जाओ रिलेशनशिप के, पीछे जाओ फटाफट। चमके साहब, बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने पार्टनर को भेजना इस दुनिया में सुसाइडल एक्ट कहा जाता है, अंडर सेक्शन सुसाइडल एक्ट ऑफ रिलेशनशिप। स्टेप नंबर थ्री, तुमने सक्सेसफुली स्टेप वन और स्टेप टू पार कर दिया है कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस में भी नहीं हो और तुम कन्विंस भी हो अपने पार्टनर से जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो स्टेप नंबर थ्री, अरेंज मैरिज कर लो। अरेंज वाली चीज बेस्ट होती है, कोई माथा कुटी नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको एक छोकरी दिखाई, मतलब उनको तो पसंद है तभी तुमको दिखाई, अब तुमको भी पसंद आ गई तो ये तो चेरी ऑन द टॉप वाली मोमेंट हो गई। सेना आगे बढ़ो, शादी मुबारक। अभी लव मैरिज में तुमको कोई लड़की पसंद आई, पक्का तुम्हारी मनुष्य शक्ल के हिसाब से आउट ऑफ द लीग लड़की ही ढूंढोगे तुम लोग। वो लड़की तो मानते मानते तुम्हारे सफेद बाल हो जाएंगे, सफेद बाल, और उसमें अभी फिर उसको कन्विंस करके, उसके लिए माँ बाप को कन्विंस करते करते अरेंज मैरिज में चार बच्चे आ जाते हैं। फॉर किड्स, अंडरस्टैंड माई डियर किड।